क्या नाम है आपका? मिनाज हुसैन मेरा नाम है। नाम हुसैन भैया, कहाँ से आप? मैं मलकपेट में रहता। मलकपेट में से सीधा इधर चार मीनार कहीं को आए आज? चार मीनार निमरा की चाय पीने के लिए आए। चाय पीने के लिए सीधा उधर से इधर आ गए जी। चाय एकदम बेहतरीन रहती, निमरा की चाय पीना है चार मीनार के सामने आ जाना, एकदम बेहतरीन चाय रहे। बेहतरीन चाय एक बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। रोज आके पीते क्या? डेली आते हम। डेली आ डेली चाय डेली आके चाय पीना आपका डेली रूटीन हो? डेली आना चाय पीना चल जाना बस। ताजी रोटी। रमजान का माहौल है ना पूरा चार मीनार के इधर, तो कैसा है अब? आम दिनों में कैसा रहा था? आम दिनों में तो अंधेरा था, रमजान का मौका है ना, पब्लिक बहुत रही, चहल पहल बहुत रही थी इधर। शॉपिंग के लिए लोग आते रहते हैं यहाँ वहाँ से। शॉपिंग पूरा सस्ते में मिलता क्या इधर? अपने पास सब सस्ते में मिलता अपने पास। आप जो बोल रहे हैं ना रोज भी, मैं इधर आतम बोल के बोल रहे हैं, इधर कौन से चीजें अच्छे रहते खाने के लिए या फिरने के लिए घूमने के लिए शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए अपने पास कपड़े है, शूज वगैरह है, सब चीजें रहते अपने पास। खाने पीने के सब, खाने पीने के कुछ अच्छे चीजें है क्या इधर कुछ बोलो? खाने को निमरा की चाय पसंद है इसलिए निमरा की चाय पीने के लिए आते हैं। दूसरा अपने को कपड़ा लिबास सब मिल जाएंगे अपने को यहाँ पे। बिरयानी कहाँ अच्छा रहता है? बिरयानी अपने को यहाँ की पसंद नहीं है अपने को, होटल सोहेल की, सोहेल की होटल। अच्छा ठीक है। चार मीनार को आना कई को हुआ? जी मुझे घूमने के लिए आए थे, चाय पीने के लिए, निमरा की चाय पीने, चाय पीने के लिए, निमरा की चाय पीने के लिए सीधा चार मीनार आ गया आज तो? जी हाँ भाई, सीधा चार मीनार आ गया चाय पीने। तो आप पसंद है क्या आपको ये? जी हाँ, हम लोग डेली आते हैं चाय पीने। चाय पीने के लिए डेली आ जाते जी वही। कहाँ से है आपको? हम लोग ऑल सिटी तालाब कट्टे से। ऑल सिटी में और कुछ फेमस है क्या? हाँ भाई, एक चाय और दूसरा मियाँ भाई अपना। मियाँ भाई कौन? असद भाई या नहीं तो अकबरुद्दीन भाई? अकबरुद्दीन भाई। अकबरुद्दीन भाई दो भाई, दो भाई मियाँ भाई। मियाँ भाई दोनों मियाँ भाई है। हाँ। चाय की कुछ हिस्ट्री मालूम क्या आपको? जी हाँ भाई, हिस्ट्री बोले तो ये कब से स्टार्ट हुआ इसके कुछ वो हिस्ट्री नहीं मानते। वो हिस्ट्री नहीं मानते। चार मीनार कई को फेमस है? ये सात अजूबों में से एक अजूबा इंडिया के अंदर, इसलिए फेमस है। लोग दूर दूर से यहाँ पे अदर कंट्री से घूमने के लिए आते हैं चार मीनार। जो भी बंदा सीधा हैदराबाद आता ना पहला इधर आके घूमने का सोचता था, सीधा चार मीनार आता है। चार मीनार आता हाँ, इधर की चाय तो इधर की बहुत अच्छी मिलती है। और कुछ अच्छी चीज है क्या खाने के लिए, देखने के लिए, फिरने के लिए? हैदराबाद में सबसे अच्छी चीज अपने को यहाँ पे देखो शोरमा लगता, देखो बिरयानी से अच्छी चीज बोले तो शोरमा। कहाँ मिलता वो, कौन सी शॉप में मिलता शोरमा? हमारे तालाब कट्टे में मिलता, देखो मुगलपुर में। हाँ बहुत अच्छा मिलता, बेहतरीन बनता, फेवरेट है हमारा शोरमा। आम दिनों में ऐसे रहता क्या भीड़ पूरा इधर? दिनों में ऐसे रहता सेम रहता, ऐसा नहीं है बोल के रमजान महीना है इतनी पब्लिक है बोल के, आम दिनों में भी ऐसी पब्लिक रहती है। क्या क्या वैसे आप इस दुकान में? इसमें धूप स्टिक्स है अपने, इसमें ऊद है सामरानी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, घर की नेगेटिव मानने के लिए सामरानी आता, और मेहंदी है, सब अलग अलग कुरान शरीफ धार्मिक किताबें हैं, जानी मास। ये कैसे यूजफुल है छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए यूजफुल इसलिए रहता है, जो बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए नेगेटिविटी आती देखिए कम उम्र में एज में, उसके लिए पॉजिटिविटी आती, ये लगाते थोड़ा थोड़ा करके जो लगाते लोग बहुत पॉजिटिविटी आती और बहुत खुशहाल दिखता है ये ऊद, क्योंकि एकदम सेंटर्ड जो चीज रहती अपने नेगेटिव को मारती ही नहीं वैसा, और घर में जो चिड़चिड़ापना होता वैसा खाली बस पॉजिटिव के लिए यूजफुल है बहुत। यस वो क्या है ये हाँ अगरबत्ती है भी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, एक गाड़ी आपको पूरी गली में मेकती पूरी उतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, ये 20 रुपीज इच वन रहती है। आपके पास सबसे लोएस्ट प्राइस में कौन सा मिलता है, सबसे हाईएस्ट प्राइस में कौन सा? अपने कहा लोएस्ट जैसे 20 रुपीज का भी रहता है, 10 रुपीज का भी रहता है, 100 रुपीज 1000 रुपीज का भी रहता है, एक एक पीस ऐसा अलग सब अलग अलग फ्रेग्रेंस के रहते हैं। धार्मिक किताबों में जैसा ये धार्मिक किताब बाइबल गीता कुरान पढ़ने के लिए ऐसा सब मिलता है। कितने साल से कर रहे ये? तो दादा के टाइम से, परदादा से। हाँ यस दादा के टाइम, नीचे अपनी और एक शॉप है वहाँ से अपन ये लिए सो जी। अब कैसा चल रहा कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अब जरा गर्मी के बाद जैसे 5 बजे के बाद कारोबार चालू होता है। रोजा रखे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं छोड़ते, रोजा नहीं छोड़ते जी। रोजा रहते भी काम कर लेना पूरा, दिक्कत नहीं लगता? नहीं 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 होता, रोजा रहे बस। हैदराबाद में जो कुछ भी नया आदमी आता ना पहला उनको क्या रहता बोलते, चार मार देखना बोल के रहता, खास करके अब रमजान महीने में देखने में बहुत अच्छा रहता ना हर खास यहाँ का क्राउड ही जैसा है जैसे पब्लिक को अट्रैक्ट करता पूरा क्राउड, एक ऐसी चीज है जैसे हर अब क्या वो लवर्स पॉइंट हर चीज बोल सकते हैं। अब यहाँ चांदनार है, चांदनार को जैसे छोटे से छोटा बच्चा लेके बड़ा आदमी ख्वाहिशमन से आता देखने, सब सिकंदराबाद नहीं जाता चांदनार, इसलिए चांदनार आने का चांदनार चीज अच्छी है, निजाम सरकार बने चीज बेहतरीन नहीं होगी वही सब।
ये तो फिर अब कारोबार अच्छा चल रहा है रमजान में? रमजान में खासकर ज्यादा चलता क्या? रमजान में ज्यादा रहता, रमजान में ज्यादा रहता, पूरे साल में, पूरे साल में रमजान में थोड़ा ज्यादा रहता, 50% बढ़ जाता समझो ऐसा। रमजान रमजान के बाद पूरा सन्नाटा रहता है, जो पब्लिक दिख रही पूरी खाली हो जाती है, पूरा साइलेंट जी हो। अब सैटरडे और पब्लिक डबल आती, पूरा ऑफिस से छुट्टी लोग आते ऐसा। कितने बजे चालू करते हैं शॉप आप दिन में? 8 से रमजान रमजान के बाद अभी सुबह 10 बजे से शाम के 12 बजे तक रहते।